नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 3 में जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए खबर निकल कर आ रही है। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ चुका है और ये नोटिफिकेशन आपका बिहार लोक सेवा आयोग में जो आपकी शिक्षक की भर्ती है फेज 3 की उसके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3 हेतु दिनांक 29 फरवरी 2024 को घोषित परीक्षा कार्यक्रम में दिनांक 16 मार्च 2024 एकल पाली को आयोजित की जाने वाली परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित किए जा रही है। यानी कि जो आपकी परीक्षा 16 मार्च को होनी थी वो क्या हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। पोस्टपोन का मतलब है परीक्षा की डेट चेंज हो गई, परीक्षा निरस्त नहीं हुई, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप आगे देखेंगे एवं दिनांक 15/3/2024 के 2 पालियों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा का कार्यक्रम यथावत रहेगा। जो 15 मार्च को आपका पेपर, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो 16 मार्च की आपकी डेट है वो चेंज हो गई, सिर्फ चेंज हुई है, ठीक है। पेपर निरस्त नहीं हुआ है, बात आप ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ये 15 फरवरी का हमारा जो शुक्रवार को एग्जाम होना है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, सेम रहेगा, जैसे है यथावत ही रहेगा। प्रथम पाली एग्जाम 9:30 से 12 बजे तक होगा। इसमें जो विषय होगा वो होगा गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू, और ये पेपर होगा कक्षा से 8 के लिए, ठीक है, और शिक्षा विभाग के अंदर। उसका 2:30 से 5 बजे के बीच में जो आपका पेपर है वो हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं सामान्य के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं विशेष में आ जाएंगे, सामान्य उर्दू एवं बांग्ला शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग 1 से 5 के लिए सभी के लिए, ठीक है। फिर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15/3/2024 को आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए दिनांक 7/3/2024 से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। उसका देखिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 9 से 10 के सभी विद्यालय, नंबर 2 दिया शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के अंतर्गत 11/12 के सभी विषय तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 6 से 10 के सभी विषयों की परीक्षा के लिए सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आपका पेपर जो निरस्त हुआ है, निरस्त नहीं, पोस्टपोन हुआ, वो आपका हुआ है 16 मार्च के लिए, और 16 जो 15 को आपका सेम रहेगा। तो आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि डेट में जो थोड़ा बहुत ही बदलाव होगा जल्दी ही पेपर उसका हो जाएगा। पेपर रद्द नहीं हुआ, सिर्फ डेट पोस्टपोन हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।